कही गई थी उसको लेकर किसान नमस्कार हरियाणा आपका स्वागत है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के आह्वान पर आज प्रदेश भर में 3 घंटे तक टोलों को फ्री रखने का आह्वान किया गया था। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस समय करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा के यहां पर भी है, किसानों ने पहुंच कर जो है टोल को फ्री करवा दिया है। तकरीबन 3 घंटे तक ये टोल फ्री रहने वाला है। दूसरी तरफ आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। मेरे इस तरफ जो है बड़ी संख्या में जो है किसान इस समय यहाँ पर टोल प्लाजा पर एकत्रित है, और अंबाला में जिस तरह से किसानों के ऊपर एक्शन हुआ था उसके बाद कहीं ना कहीं किसान काफी रोष में नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर किसान गुरनाम सिंह चढ़ूनी द्वारा कल एक मीटिंग की गई थी। मीटिंग में फैसला लिया गया था कि 3 घंटे तक जो है टोल को फ्री रखा जाएगा और कल को जो है किसान ट्रैक्टर मार्च सभी तहसीलों पर करेंगे। करनाल की बात की जाए तो करनाल में भी कहीं ना कहीं टोल फ्री जिस तरह से आह्वान किया गया था उसका असर देखने को मिल रहा है। कुछ किसान हमारे साथ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज 3 घंटे का आह्वान किया गया था, कितना असर देखने को मिल रहा है करनाल? बिल्कुल, आप देखिए करनाल गरौंडा टोल आई और यहाँ पर सभी किसान साथी पहुंचे हैं और 12 बजे से 3 बजे तक फ्री है। कल का ट्रैक्टर मार्च है तहसील लेवल पर और परसों कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के अंदर पूरे देश के किसान संगठन इकट्ठे होंगे और सरकार से प्रार्थना करेंगे, गुजारिश लगाएंगे कि पहले वाला माहौल ना बने, किसानों का इतना नुकसान ना आए, सरकार का राज्य का इतना नुकसान ना आए, क्योंकि सरकारों का खर्चा भी अपने जो किसान है, जो दुकानदार है, जो आम जनता है, उनकी जेब से निकलता है। तो जल्द से जल्द बैठकर इसके निपटारा कर लेना चाहिए। क्या कुछ लगता है बात बनेगी, क्योंकि अब फिर से एक बार जो है संडे को बैठक होनी है, रात भी काफी लंबी देर तक बैठक चली, लगता है कुछ समाधान? रात भी 1:30 बजे तक बातचीत चली, और रही बात समाधान की, समाधान तो सरकार ना काढ़ना, हमारे जो किसान लीडर है उन्होंने ना कोई मीटिंग में जाने से जवाब दिया, आज बुलाओ समझौता करो अपने घरों ना जाएंगे हम भी, सरकार के हाथ में जितनी जल्दी निपटावेंगे उतनी ज्यादा ठीक रहेगा। तो ये थे हमारे साथ है किसान नेता, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार के हाथ में है, कब तक सरकार जो है किसानों की मांगों को पूरा करते हैं। फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं करनाल टोल प्लाजा की, किस तरह से जो है टोल इस समय यहाँ पे बस्ताड़ा में जो है फ्री कर दिए गए और बड़ी संख्या में जो है इस समय वाहन टोल से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, किसान यहाँ पर एकजुट होना शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर जो है इस समय दरी बिछा दी गई है। दरी पर जो है किसान अब से यहाँ पर तकरीबन 3 घंटे तक बैठने वाले हैं। फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर जहाँ पुलिस वहां पर बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर मौजूद है, वहीं किसान भी एकजुट होना शुरू हो चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि संडे को जो मीटिंग होनी है उसमें क्या कुछ हल निकल कर आता है। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल की रिपोर्ट।